हे गाइस, कैसे हो आप लोग? तो नए पोकेमोन आ चुके हैं, कल रात को ही आया था। मेरे दोस्त ने बोला कि भाई नए पोकेमोन आ चुके हैं तो इसके ऊपर वीडियो बनाने का ट्राई करो। मैं 2 दिनों से वीडियो नहीं डाल रहा था क्योंकि बहुत बिजी था। कल रात को एक पबजी का मैंने एक गेम प्ले डाला, वो भी मुश्किल से। तो मेरे दोस्त ने बोला कि नए पोकेमोन आ चुके हैं लव कॉइन के अंदर। तो यहाँ पे देख सकते हो क्रिसमस आर्कनाइन, शाइनी क्रिसमस आर्कनाइन, इन दोनों का वीडियो ऑलरेडी मैंने पहले बना चुका हूँ, तो उसका लिंक मैं डाल दूंगा, आप लोग जाके देख सकते हो अगर देखना रहेगा तो। बाकी सब जो है मैंने नहीं दिखाया अभी तक, पॉइजन हाउंडूम, शाइनी पॉइजन हाउंडूम, टोरेंस वाले गैलियो। क्या 280 कॉइन्स में? मैं कोई गलत तो नहीं देख रहा ना भाई? 280 कॉइन्स में टोरेंस वाले गैलियो, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? क्योंकि टोरेंस वाले गैलियो जो है ऑलरेडी मेगा इवॉल्व है, मैंने पहले देखा था। मतलब मैं जैसे ही मैंने पहले देखा उसके बाद सोचा था कि इसका कॉइन जो है 500+ होगा क्योंकि ऑलरेडी मेगा इवॉल्व है, और ऊपर से इसका एसएस जो है 700+ कुछ होगा, मैंने देखा नहीं अभी तक, तो आगे दिखा दूंगा। और बाकी सब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से सिर्फ म्यूटू ले सकते हो 160 कॉइन्स में, बाकी सब आप लोग को सफारी में मिल जाएगा या फिर शाइनी ग्लेशियोन ले सकते हो। और तो कोई इतना अच्छा पोकेमोन है नहीं यहाँ पे, तो अभी बात करते हैं पोकेमोन के बारे में। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो टोरेंस वाले के लिए इसका एसएस, भाई क्या क्या कुछ गलत है क्या? 780 SS है इसका और ये 280 कॉइन्स में मिल रहा, कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ पे देख सकते हो, मतलब यहाँ पे लिखा है 780 SS है टोरेंस वाले के लिए। इसके पास तीन एबिलिटीज है, चार है, अडेप्टेबिलिटी, फुल मेटल बॉडी, अनवेयर, और बाकी जो है मैंने नहीं देखा। मैं अभी भी ये सोच रहा हूँ कि इसका एसएस तो बहुत हाई है, यहाँ पे देख सकते हो एचपी बहुत हाई है, अटैक भी बहुत हाई है, डिफेंस 132, स्पेशल अटैक नहीं लगेगा क्योंकि इसको अटैक मूव से देंगे, बाकी स्पेशल डिफेंस भी हाई है। तो यार इसको 280 कॉइन्स में देना कुछ मेरे को गलत लग रहा, मतलब ग्लिच हो गया शायद ये इवेंट। पहले आया था ना बर्ड्स का जो 160 कॉइन्स में मिलने वाला, हम लोग को 280 कॉइन्स में मिल रहा था, वैसा ही ग्लिच हो गया होगा इसका। तो अगर कोई सिर्फ लो लेवल लीग खेलता है, जो बैटल ही करना पसंद करता है लेवल 28 से लेकर लेवल 50 तक, तो ये आराम से ले सकते हो। और बाकी मैं एक कंपैरिजन बताता हूँ कि जो पॉइजन हाउंडूम है वो 500 कॉइन्स में मिल रहा, जो नॉर्मल वाला पॉइजन हाउंडूम है, शाइनी भी नहीं है, और इसका ऐसा सिर्फ 648 या फिर 49 है, तो ये जो है 500 में मिल रहा, 500 कॉइन्स में। और जो टोरेंट सोली गैली है जिसका ऐसा 780 है, वो हमको मिल रहा है सिर्फ 280 कॉइन्स में। तो बहुत मतलब फ़र्क है इसमें दोनों में, तो कुछ गड़बड़ है दोनों के बीच में, आई मीन ग्लिच हो गया होगा ये साला, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है टीसी में। तो यहाँ पे देख सकते हो इसका एसएस, ये सब पॉज करके देख लेना, मैं ज़्यादा कुछ बताने नहीं वाला, मैं स्टंट हूँ अभी, कुछ बोलने लायक नहीं बचा कि क्या हो रहा है इसमें इवेंट में। और बाकी यहाँ पे मैं मूव सेट दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे इसके पास ऑन लर्नेबल मूव्स है, तो इसको कोई टीएम्स भी देना नहीं पड़ेगा, तो बहुत सही पोकेमोन है ये लो लेवल लीग के लिए। ओके, ये सब मूव्स लर्न कर सकता है, तो बहुत सारे मूव्स है इसके पास, तो इसको टीएम्स भी देना नहीं पड़ेगा शायद, मेरे को जहाँ तक लगता है। यहाँ पे टीएम्स भी देख सकते हो, बहुत सारा टीएम्स ये सीख सकता है अलग अलग टाइपिंग के, मैं जल्दी दिखा देता हूँ। ओके, ख़त्म हो गया, और क्या बचा है दिखाना, कुछ तो नहीं रह गया ना। ओके, तो ये रहा टोरेंट सोले के लिए, और सिर्फ 280 कॉइन्स में मिल रहा है, इसका एसएस 780 है। और ये रहा शाइनी टोरेंट सोले के लिए, इसका एसएस है 853, तो ठीक है, मतलब ये ज़्यादा इसका एसएस है, तो इसका 800 कॉइन्स लग रहा, ठीक है, इसका समझ में आता है। लेकिन ये टोरेंट सोले के लिए को अभी भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हो मतलब ये हो गया है ग्रीन कलर का, हो गया है पूरा, पहले ब्लू कलर का था थोड़ा। और अभी बात करते हैं चीर ब्रेजिगस के बारे में, ये ऑलरेडी मैंने दिखा चुका हूँ शायद पहले, फिर भी इस वीडियो में डाल दिया क्योंकि मेरे को वो वीडियो नहीं मिल रहा। यहाँ पे देख सकते हो इसका एसएस 770 है, तो ये जो चीर ब्रेजिगस है इसका एसएस 770 है, तो हमारा जो सोले गैलियो है टोरेंट वाला उसका एसएस 780 है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, तो ये मिल रहा है 800 कॉइन्स में। और जो मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो ये देख सकते हो इसका एसएस 770 है, एचपी 125, अटैक 194, बाकी सब देख लेना। इसके पास सिर्फ एक एबिलिटी है प्रेशर, और बाकी ऑन लर्नेबल मूव्स कुछ ज़्यादा नहीं है, कुछ खास नहीं है ये वाला। अभी बात करते हैं शाइनी चीर ब्रेजिगस के बारे में, तो ये देख सकते हो सब कुछ एबिलिटी सेम है, बस स्टैट्स जो है डिफरेंट है, स्टैट्स दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे देख सकते हो 140-212, मतलब अटैक बहुत हाई है, 212 है, ऑलरेडी मेगा इवॉल्व है ये, तो मत सोचना कि इसके पास मेगा इवोल्यूशन नहीं है। जो भी पोकेमोन मैं दिखा रहा हूँ अभी सब ऑलरेडी मेगा इवॉल्व है, जो टोरेंट सोले के लिए वो ऑलरेडी मेगा इवॉल्व है। ये रहा टीएम्स, यहाँ पे देख सकते हो, मैं जल्दी स्वाइप करता हूँ, आप लोग पोस्ट करके देख लेना। ओके, कुछ ज़्यादा नहीं था। अभी बात करते हैं पॉइजन हाउंडूम के बारे में, यहाँ पे देख सकते हो ये जो है पॉइजन एंड डार्क टाइप है, इसके पास तीन एबिलिटीज़ है, तो ठीक है, ये बहुत मतलब इतना खास भी नहीं है क्योंकि जो इसका एसएस है वो ऑलमोस्ट जो हमारा नॉर्मल मेगा हाउंडूम है उससे सिमिलर है, 649 है इसका एसएस, बाकी सब स्टैट्स यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे मैं ओन मूव्स दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो ये पॉइजन टाइप है, तो इसलिए पॉइजन मूव्स लर्न कर सकता है, तो ठीक है,
बाकी टीएम्स भी देख सकते हो। ओके बहुत ज़्यादा है, ठीक है ओके ख़त्म हो गया। और ये रहा शाइनी पॉइजन हाउंटूम, इसका एस एस 703 है ऑलमोस्ट, जो हमारा टोरेंस होले गैलियो इसके आसपास भी नहीं है, और ये हम लोगों को 800 कॉइन्स में मिल रहा। यहाँ पे देख सकते हो इसका एस एस 703, बाकी सब आप लोग स्टैट्स देख लेना। तो ये है इस बार का जो हमारा इवेंट में पोकेमोन आया हुआ है। और बाकी आप लोगों को क्या लगता है टोरेंस होले गैलियो के बारे में बताना मेरे को। तो ठीक है आज के लिए यहाँ पे रखते हैं, बाय।